हाय गाइस, स्वागत है एक और नया वीडियो में। इस वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि रेडियोग्राफर की सैलरी वर्ल्ड वाइड में डिफरेंट कंट्रीज में कैसा होता है। बहुत लोगों का ये मैसेज आता है, भैया मैंने बीएससी कर रखा है, मैंने डिप्लोमा कर रखा है, रेडियोग्राफर की क्या सैलरी होगा, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, क्या सैलरी होगा। देखो, ये सारा चीजें इस वाले वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। और आप लोगों को दिखाऊंगा डिफरेंट कंट्रीज में रेडियोग्राफर की डिफरेंट डिफरेंट सैलरीज है, और आप इंडियन मनी में कन्वर्ट कर लेना। कुछ कुछ जगह पे मैंने कन्वर्ट करके दिखाया, आप लोग भी अपने अपने से कर लेना। गूगल के जो रेट चल रहा है अभी, वो देख के आप लोग एक आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया के बाहर रेडियोग्राफर की सैलरी डिफरेंट कंट्रीज में क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले रेडियोग्राफर क्या है। रेडियोग्राफर, जैसे हमें पता है, जो उन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ। रेडियोग्राफर एक ऐसा प्रोफेशन है जो रेडियोलॉजी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है, और हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस है उसको डायग्नोस करने के लिए इमेज प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सरेज लेते हैं, एमआरआई करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं। तो एक्सरेज में एक्सरे यूज होता है, सीटी स्कैन में भी एक्सरे यूज होता है, एमआरआई में मैग्नेट यूज होता है। ये सारा चीजें एक रेडियोग्राफर की, हर एक हॉस्पिटल में आपको एक रेडियोग्राफर की इम्पोर्टेंस आपको पता लगेगी जब आप कभी भी एक एमआरआई स्कैन के लिए जाओगे या सीटी स्कैन करने जाओगे। सो शुरू से लेकर एंड तक आप रेडियोग्राफर पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस और हेल्प करता है, वही एक रेडियोग्राफर होता है। प्रोफेशनल्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं मेडिकल में, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, जहाँ से हम लोग ये सारे इंफॉर्मेशन और नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो देखो, 3 चीज सैलरी को सबसे ऊपर डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट इफेक्ट करता है। सबसे पहला है आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इंडिया के बाहर, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद एम्प्लॉयर। तो एक्सपीरियंस अगर आपके पास, मान लीजिए एंट्री लेवल एक्सपीरियंस है, 1 साल 1.5 साल एक्सपीरियंस है, तो आपको सैलरी एक कम मिलेगा। आपके मीडियम लेवल एक्सपीरियंस है, लेके 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, तो आपको कुछ सैलरी एक एवरेज सैलरी मिलेगा। आपको 10 साल से ऊपर से एक्सपीरियंस है, तो आपको और ज्यादा सैलरी मिलेगा। ये हर एक जगह का सेम सिनेरियो, ठीक है। लोकेशन, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ लोकेशन, जैसे आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूके ले लो, यूके में लंदन में जो सैलरी है, और बाहर लंदन से आउटर में, जैसे आप साउथ वेस्ट यूके में चले जाइए, टॉर्क्वे एक्सेटर ऐसे टाउन पे जाओगे, तो सैलरी कम होगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे कम है। तो ये लोकेशन जो है ये बहुत मैटर करता है। लंदन में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है तो सैलरी भी ज्यादा है, उधर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है तो सैलरी भी कम है, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे चीजें बहुत मैटर करता है सैलरी के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज है एम्प्लॉयर। तो देखो, कुछ कुछ एम्प्लॉयर होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, कुछ बहुत बड़ा बड़ा एम्प्लॉयर्स होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में आप लोग देख लो, अपोलो हॉस्पिटल्स है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल्स है। तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में सैलरी की रेंजेस ज्यादा होती है, लेकिन आप छोटा डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करोगे तो उसका भी सैलरी की रेंज डिफरेंट होता है। पर यूके में एक चीज अच्छा है कि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का बार है, तो इससे नीचे आप सैलरी नहीं दे सकते। लेकिन इंडिया में वो चीज अभी तक नहीं है कि मिनिमम सैलरी का कोई बार नहीं है, जो जितना दे सकता है, जो जितना ले सकता है उसी में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो सैलरी को इफेक्ट करता है। जहां पे भी आप जॉब करने जाओगे, जिस भी कंट्री में आप जॉब करने जाओगे, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कनाडा की। कनाडा में जो एवरेज सैलरी होती है रेडियोग्राफर की, वो है लगभग 70,000 डॉलर। तो ये डॉलर मतलब, ये कैनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, 70,000 कैनेडियन डॉलर लगभग 42.5 लैक्स इंडियन मनी पे होता है। और वो ईयरली आप कन्वर्ट कर लो, महीने का आपको 3-4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए मान लो ओवर टाइम और सब कुछ मिला के, 4 लैक्स आप कमा सकते हो कनाडा में इजीली। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां पे इतना ज्यादा है नहीं कंपेयर टू यूके, तो आपको एक डिसेंट अच्छा लाइफस्टाइल करने के लिए एनाफ है वो, ठीक है। और ये वाला जो डाटा हमने ली थी वो है कैनेडियन नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन, ये वाले वेबसाइट से हमने लिया था, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और पॉपुलेशन थोड़ा कम है वहाँ पे। तो ये वाला जो हमने डाटा उठाई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जॉब आउटलुक, ये वाले वेबसाइट से, इनकी एवरेज सैलरी है 71,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। 71,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मतलब इंडियन 49 लैक्स ए ईयर, लगभग 40 लाख रुपए एक साल का। तो 3.5 के आसपास मान लीजिए, ऐसा होता है कि 3.3 3.5 ओवर टाइम मिला के आपको एक डिसेंट सैलरी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यूके की बात करते हैं। यूके में शुरू होता है 24,900 से, पर ईयर से शुरू होता है, जाके ऊपर 45 55 तक जा सकता है। और यह है कि करेंसी है पाउंड, 1 पाउंड समान 101 रुपये इंडियन रुपीज के बराबर में है। तो आप लगभग एक साल में 45 से लेके 50 लैक्स तक कमा सकते हो।
अगर आप बहुत ज्यादा ओवर टाइम करते हो, क्योंकि क्या में बहुत ज्यादा ओवर टाइम्स होते हैं, तो अगर आप ओवर टाइम करते हो ज्यादा, तो ओवर टाइम करके आप लगभग 60 लाख, 55-60 लाख रुपए कमा सकते हो 1 साल का, उसमें 20% टैक्स जाएगा, बाकी आपकी होगी। तो आप लगभग आफ्टर टैक्स आप लगभग 40 लाख रुपए 1 साल का इजीली कमा सकते हो यूके में, अगर आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस, आप एमआरआई वगैरह सब कुछ कर लेते हो। तो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में जो मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आयरलैंड, आयरलैंड भी एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है वहाँ पे, ड्यू टू पॉपुलेशन कम है वहाँ पे। तो वहाँ की जो एवरेज सैलरी है 39 यूरो से लेके 60,000 यूरो पर ईयर होता है, 1 यूरो लगभग इंडियन 90 रुपये के आसपास की है। तो आप इसके हिसाब से हिसाब कर सकते हो, और लाइफस्टाइल भी इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वहाँ पे, तो आप एक डिसेंट गुड सैलरी आराम से मिल जाता है, और काम भी इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री नहीं है और पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो आप ये वाला ऑप्शन, बहुत लोग आयरलैंड जाते हैं, अभी रिसेंटली 2-3 लोग हैं मैं जो जानता हूँ जो अभी आयरलैंड मूव किया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है। तो मैंने आयरलैंड के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, क्या प्रोसेस करना है, क्या क्या पेपर वर्क है, सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत लोग न्यूजीलैंड भी जाते हैं। न्यूजीलैंड का जो एवरेज सैलरी है 52 से लेके 82, मतलब 70,000 न्यूजीलैंड डॉलर, वो भी लगभग 51 रुपीज, 51 रुपीज है इंडियन रुपीज से, अगर आप कंपेयर करोगे तो लगभग 40 लाख के आसपास पड़ जाता है, कोई एक बहुत डिसेंट सैलरी है। वहाँ का ओवरटाइम वगैरह की सीन मेरे को नहीं पता है, आप लोग वहाँ की वेबसाइट में जाके आप चेकआउट कर सको, मैंने एक वीडियो बना रखा है न्यूजीलैंड के ऊपर, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे, कैसे रेडियोग्राफर की जॉब होती है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या सारे प्रोसेस है, ठीक है। और सबसे जो टॉप लिस्ट पे है वो है दुबई, दुबई में सैलरी बहुत सही होता है रेडियोग्राफर की, और यहाँ पे आप लगभग, क्योंकि दुबई में जितने भी पैसा होता है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो आप आराम से वहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए महीने का आराम से बना सकते हो, अगर आपके पास अच्छा स्किल है और आप ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हो और ओवर टाइम ये सारा चीज़ें अगर आप सही से करते हो वहाँ पे, तो आराम से बहुत अच्छा सैलरी आप वहाँ पे इजीली उठा सकते हो। लेकिन याद रखना, दुबई में एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है, और वहाँ पे एमओएच और प्राइवेट में भी डिपेंड करता है। तो ये एक मैंने रफली आइडिया बताया है कि आप लोगों का एक रफ आइडिया हो जाए, बाकी आप गूगल पे सर्च करके बहुत इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट पे सारा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है, आप जाके निकाल भी सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज वगैरह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान